मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। इसी वजह से डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमाल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुँचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा अजीब लगा। तभी उन्होंने पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके अंगुलीमाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता, आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते और डरे हुए होते हैं। यह महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कि अभी इसे भी ख़त्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है, ठहर भी जा। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलट कर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी वह उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलीमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। वह थोड़ी देर में पत्तियों और टहनियाँ तोड़ कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज़ को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो मारने का हक भी नहीं। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तो मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ। वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तब से चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर।
यह सब कुछ सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गई और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति बुराई की राह छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है।